हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस किचन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूंग से बना स्पाइसी और मसालेदार चिल्ला। अगर चिल्ला हो स्पाइसी और मसालेदार तो खाने का मजा ही कुछ और होगा। फ्रेंड्स, मैंने 2 कप मूंग लिया था जिसे रात भर पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया था। ये फूल चुके हैं। 3 मैंने लाल मिर्च ले रखी है, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून जीरा और काली मिर्च, 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन हमारे पाचन में मदद करता है डाइजेशन होने में। 8 से 10 लहसुन की कली ली है। फ्रेंड्स, अब हम इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। मूंग में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन एंड फाइबर पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फाइबर का फंक्शन क्या है, यानी कि उसका रोल क्या है, काम क्या करता है? फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। और प्रोटीन के बारे में आप तो जानते ही हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल गेनर का काम करता है। इसे बॉडी बिल्डर बहुत ही खाते हैं। ऐसे फूल जाते हैं वैसे ही खा लेते हैं वो लोग। फ्रेंड्स, अब मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसमें अपना मूंग को ऐड करूंगा और इसमें अच्छे से आपको डालना है मूंग को। अब मैं इसमें 8 से 10 जो लहसुन की कली थी वो ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद अजवाइन, जीरा और काली मिर्च, देन रेड चिली जो थे हमारे 2 से 3। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो 2 से 3 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं, 1 या 2 डाल सकते हैं आप। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगा और इसको मैं ग्राइंड कर लूंगा। फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंड कर लिया है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए और इसमें आपको पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रहा हूँ ताकि इसका कलर जो है अच्छा है, और इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने सुपर टेस्टी एंड सुपर हेल्दी चिल्ला को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक तवा लिया है जो कि गैस पर रख दिया है, हाई फ्लेम पर। गर्म हो जाएगा तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर कर दूंगा। फ्रेंड्स, हमारे गर्म हो चुका है, इसे मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं। देखिए, मीडियम फ्लेम पे ही आपका होना चाहिए। अब मैंने 1 कटोरी में रिफाइंड ऑयल लिया है, 2 से 3 चम्मच। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम ऑयल स्प्रेड कर देते हैं। चारों तरफ आपको इसे स्प्रेड कर देना है। उसके बाद हमारा जो मूंग का बैटर जो है इस तवे के ऊपर 2 से 3 चम्मच डालेंगे। आपको ज्यादा बड़ा बनाना है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। मैं बस 2 से 3 चम्मच डालूंगा, 3 चम्मच, 1, 2, 3, और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड करूंगा। देखिए, आपको स्पून की हेल्प से ही करना है, आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से भी स्प्रेड कर देता हूँ अच्छे से, थोड़ा कि ज्यादा थिक ना हो, चारों तरफ बराबर हो जाए। नीचे का हमारे फ्रेंड्स पक चुका है। अब एक नाइफ की मदद से हम चारों तरफ से इसे निकाल लेंगे और इसके बाद एक स्पैचुला की मदद से हम इसे पलट देंगे कि बैक साइड भी हमारा पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर से मैं ऑयल ग्रीस करूंगा, रिफाइंड ऑयल अच्छे से ग्रीस करना है। ग्रीस हो चुका है फ्रेंड्स मेरा। अब इसको दोनों तरफ से मैं अच्छे से फिर से एक बार पलट के पका लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से फिर पलट देना है, फिर से आपको ऐसे करना है और हमारा पक जाएगा। उसके बाद मैं अपने चिल्ला को निकाल लूंगा यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है। अब इसको मैं कट कर लेता हूँ नाइफ की मदद से।
देखिए अच्छे से कट करना है आपको, कट करके खाइए। हमारा रेडी है सुपर टेस्टी एंड सुपर हेल्दी चिला, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेक श्योर गाइस आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।